हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का सिर्फ डिस्कशन जो हो रहा है, सुबह से उठ के कितने बजे निकलना है, कितने बजे जाना है, कौन कितने कपड़े ले आया, कितने नहीं लेकर आ गया। तो भानु प्रशांत जा रहे हैं अभी शॉपिंग करने के लिए, और मीकू भी जा रही है शॉपिंग करने के लिए। यशी अभी वहाँ मेकअप कर रही थी, को दिखाता हूँ क्या कर रही हो। यशी ले आऊंगी तेरे पास, परमिशन लेनी पड़ती है दोस्तों, उसका लुक रिवील नहीं हो जाए पहले। अरे लग गई बहुत तेज, मेरे तो हाथ में काम ही कर रहा। कहाँ पर लगी दिखी हो, ये कैसी लगी अजीब। अरे ये क्या हुआ, गई उसके अंदर आ गया होगा, ये बंद कर किसी चीज में, साइड में ऐसे वो खन थे। हाँ। तो मैं क्या एकदम से मेरे हाथ से क्या कैची छूटी, मैं कहा कैची की अगर मेरे कहीं लग गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं पीछे हुई, मेरा हाथ यूं गया। और ये बहुत तेज लग गई, और ये बहुत अंदर तक लगी है, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। और ये देखो देखो मेकअप क्या, अभी मेरा क्रिसमस ही मेकअप चल रहा है अभी भी, क्या काम वगैरह कंप्लीट कर रही है ताकि है? और ये शेड्यूलिंग वगैरह कर रही थी सुबह से, सब एडिटिंग वगैरह में इसी में, मतलब सुबह से उठते हैं ना जब से काम में लगे हुए हैं। आज ब्लॉग भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट करा क्योंकि सब लोग अपना एडिटिंग वीडियो शेड्यूलिंग ये सभी करते हैं। ट्रिप पे टेंशन ना हो, ट्रिप पे टेंशन नहीं ले सकते, ट्रिप पे अपलोडिंग वाली भी प्रॉब्लम हो सकती है। पर बस इतना ही इंटरनेट चाहिए कि मेरे ब्लॉग्स अपलोड हो जाए। अपना वो था ना यार, वो स्पीकर वगैरह वो भी लेके चलना यार, एक छोटा स्पीकर तो लेके चलेंगे यार रूम के लिए। चमन चमन के पास, चमन से मांग लूंगा लेके आने यार, घर पे पड़े सर्दियों के। भाई तू जाओगे कब, तुम अभी जा रहे ना, एक दूसरे के पहनते रहोगे। चड्डा को इसका मांग रहा है, वो तेजी चुपचाप से इसका चड्डा पहन लेते हैं, नहीं मिले तो मेरे दो पहन लेता है। उसका उसका पता है, उसका साइज ऐसा है, वो सबके पहन लेता है, वो मेरे भी पहन लेता है, मेरे नहीं मिलता है उसके पहन लेता है, मेरे भी पहन लेता है, सोनवे के पहन लेता है, सबके कपड़े पहन लेता है वो। बेटा हल्की हल्की गर्म हो रही है, तू जाके सो जा चुपचाप अभी, चाहे तो वापस से दवाई लेके, क्योंकि सिर्फ आज और कल का दिन है, और अगर कल तो निकलना है अपने को तो यहाँ गोली पड़ेगी तो दिश क्या हूँ। जाके सोना है तो सो जा, डॉक्टर के दिखाना है तो डॉक्टर के दिखाया, नहीं डॉक्टर की तो जितनी बुखार है ही नहीं। इसके पापा से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। हाँ अंकल बुलाता हूँ, रुक जा। तो मैं सोच रहा था आज एक दो दिन और दाल चावल कड़ी चावल ये सब खा लूँ, परसों से तो मस्त मैगी मोमोज खाऊंगा चार पाँच दिन। मेकअप वेकअप कर रही है, अभी तो देखो टाइम लगेगा, मैं एक बार घर का राउंड लगा के आता हूँ। ये तो तेरी सोच है, अब तू मेरी सुन ले, तू कहीं नहीं जाएगा। घर का राउंड तू जब बन रहा था जब लगा लेता। क्या बन रहा था? तेरा घर। अरे एक बार जाके आ रहा हूँ, बस ऐसे देख के आ रहा हूँ, फिर कल परसों। कुछ नहीं देख कर आ रहा तू, मुझे पता था कि तू क्यों जा रहा है। तुझे क्या लग रहा है, पता नहीं जा रहा हूँ। मैंने तो नहीं बोला, तो एक दो उड़ाया होंगे बस थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट। अपने मुंह से बोला यार, अपन मनाली जा रहे हैं यार, फिर टाइम नहीं मिलेगा यार, फिर आएंगे काम वाम करते रहते यार। आजकल यार समझा कर, एक महीने हो गया यार, एक भी दिन नहीं गया हूँ। तो ये कोई पतंग उड़ाने का टाइम है ही नहीं। ये दोस्तों पता है मेरा बड़ा इच्छा मन करता है पतंग उड़ाने का, आपको पता है क्या? मेरी ना एक जगह से फटती है, उस वजह से मैं जा नहीं पाता। अभी आपकी पनिशमेंट बाकी है, बात ध्यान रखना आप। तेरी पनिशमेंट इतनी भयंकर है कि तेरे को मजा ही आ जाएगा, और ये सजेस्ट भी ऑडियंस ने किया है। पनिशमेंट मिलने वाली हमारी हारे भी की, आज नहीं मिलेगी, वो तो हमारी इच्छा होगी जब देंगे। अभी तो कमेंट तो ऐसे आए कि सही समय और मौका। सूरज भैया को पनिशमेंट ऐसा है कि 15 दिन तक पतंग ना उड़ाए, ऐसे भयंकर भयंकर कमेंट किए लोगों ने। ये तो मैं पूरा कर लिया 15 दिन, तो पिछले 15 दिन नहीं उड़ाई। अब जो हम बोलेंगे तब से 15 दिन यार, भाई ऐसे मत करो यार, पनिशमेंट यार कब दोगे, मनाली की ट्रिप के बाद देना जो भी दो, हम हमारी जब मर्जी होगी जब मिलेगी। तो मैं क्या करूं, कहां गई अभी अभी ढूंढो, चिमटी ढूंढो, परेशान हो गई, मिल गई थे, शांति से ढूंढेगी सब काम हो जाएगा। और सुबह से लगी हुई पता नहीं क्या ही मेकअप बना रही है, भगवान जाने क्या ही कलरिंग कर रही है। अभी तो इसने लेंस उतारा, पता है लेंस का क्या सीन हुआ, इसका लेंस उतर के ऊपर चला गया, और यह एकदम से बोले लेंस गायब हो गया। मैंने कहा गिर गया होगा, बोले ऐसे थोड़ी गिरेगा, वो अंदर चला गया। फिर मैंने ऐसे इसको पकड़ा, इसने ऐसे घुमाया, फिर वो नीचे आया, फिर दोनों लेंस निकलवा दिए मैंने तो इसके। अरे यार मैं क्या सोच रहा था, पापा की जैकेट जो चेंज करवा दी हम लोगों ने, कितना झूठ बोलेगा भाई, तो ये मैं देखकर आ रहा हूँ घर पे, कितना झूठ बोलेगा भाई, कम से कम 2 से 3-4 पतंग तो उड़ा के आएगा तू, हाथ पैर गर्म करके आएगा तेरे। यार हर कोई हर किसी को बस मेरी पतंग पतंग दिखती रहती है यार, बस हर टाइम गाड़ी चलानी है ना परसों पूरे दिन, वो तो कोई बात नहीं चला लेगा भाई, ये मैं जानता हूँ। डॉक्टर है हमारे, वो क्या है भानु के किसी के जानकार है, तो भानु रोज उनको फोन करके एक किसी बंदे का नंबर लगा लेता है। क्या नाम है, पुफा जी, आज इसका नंबर लगा लो, आज इसका नंबर लगा लो, बेचारे वो भी परेशान ही हो गए, आज इसका नंबर लगा है, अब ये जाएगी, अब जल्दी जा इसको इसको है ना मेरे पास। अभी देखना अभी भी इसने ना ये डेनिम पहनी हुई है, इसको कितना ही बोल दो स्वेटर पहन ले, स्वेटर पहन नहीं पहनूंगी, मुझे तो नहीं पैसा ही जाती अब हाँ, और छाछ और पीती है, बर्फ भी खाती है, बर्फ तो मैं भी खाती हूँ थोड़ी सी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं खाती, ये ज्यादा खाती है, ये ज्यादा खाती है। लोग इस घर चलते हैं, मस्टैंग लेके जा रहा हूँ, क्योंकि किया से अभी भानु मिकू को लेकर जाएगा, डॉक्टर को दिखा के आ जाएगा। वैसे तो थोड़ी ठीक है उसकी तबियत, लेकिन थोड़ा बहुत भी रिस्क क्यों लेंगे, डॉक्टर को दिखा जाते हैं क्योंकि ट्रिप पर जा रहे हैं, मैं नहीं चाहता मनाली में किसी की भी तबियत वगैरह खराब हो। हितेश भाई इसलिए नहीं आया, मैंने उसको बोला पूरा प्रॉपर रेस्ट ले अच्छे से,
कि तबीयत ठीक हो जाए सबकी। यार मेरी बहुत टेंशन हो रही है सबकी, एंड टाइम पर तबीयतें खराब हो रही है। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं सीधा छत के ऊपर, और ये जो एक रूम है स्टोर रूम, इसमें पड़ी मेरी चरखी और मेरी पतंगें। अनुज पतंग लेने गया है, पतंगें फट चुकी हैं जो दो चार में लेकर आया था, एक ही पड़ी है बस, तो वो आ जाए फिर पतंग उड़ाऊंगा। तो देखो पतंगें उड़ रही है यहाँ पर ऑलरेडी। यार दोस्तों सही बता रहा हूँ, मुझे इससे ज्यादा सुकून ना किसी चीज में नहीं मिलता, पतंग उड़ाने में जो मिलता है। हाँ माता जी, सांस भर गई और क्या? क्या बोल रही हो? जैकेट चेंज हो गई। हाँ जैकेट चेंज हो गई, गाड़ी के अंदर पड़ी है। हाँ। ले लेना याद से आप। अच्छा मुझे तो वापस याद नहीं रहेगा। हाँ, क्या सारे जा रहे? सारे जा रहे हैं, सारे जाने में मजा आता है, हर साल जाते हैं हम तो सारे के सारे। नई साल में जाना चाहिए था, नई साल में तो बहुत भीड़ लगती होगी, अभी ये जाएंगे सही टाइम पे। अभी मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के, वैसे तो मुझे सूरज मुझे लेके जाने वाला था, लेकिन अब वो ट्रैफिक में अटक गया है, इतना हुआ है उसको, टाइम का भी वो कुछ नहीं है कि टाइम से मैं निकल जाऊँ, बिल्कुल लेट निकला फिर ट्रैफिक में फंस गया, और मुझे फिर अभी भानु के साथ जाना पड़ रहा है, और लेके गया है मस्टैंग, तो उसको लेट तो होगी आज, उसको मैं बताती हूँ। डॉक्टर के जाया मैडम आप? अभी कैसी लग रही है तबीयत तेरे को? सही है, डॉक्टर वाली भी खाली जो लेकर आई है। चल ठीक है गाइज, वैसे यशी को मुझे डेंटिस्ट के लेके जाना था, और पतंगों के चक्कर में घर तो चला गया। अब आते वक्त क्या सीन हुआ, आज बहुत सारे पॉलिटिशियंस राजस्थान के जयपुर के अंदर आए हुए थे, क्योंकि आज सीएम ने अपनी ओथ ली थी, तो उस चक्कर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम वगैरह हो रखा था। अब मैं फंस गया ट्रैफिक के अंदर, मैं 15 मिनट में यहाँ पहुंच जाता, मुझे ऑलमोस्ट 50 मिनट लग गए यहाँ पहुंचने के अंदर। फिर मैंने यशी को बोला कि तू भानु के साथ जाओ, और वो भानु के साथ गई है, वो आके मेरी क्लास लगाएगी पहले तो, और पतंगों के ताने और लग बजाएगी भयंकर तरीके से। गुस्सा करके गई थी, चिड़चिड़ करती गई होगी भयंकर तरीके से। जय आज क्या किया? कर दिया ठीक है, अच्छे मूड से आई है, हो गई ठीक, वरना चिल्लाती मुझ पे आती। चिल्लाती तुम अभी? अरे कितनी क्यूट लग रही चिल्लाते हुए, और दो तीन तारीफ करता हूँ, दो तीन तारीफ करता हूँ, देखो कितनी क्यूट लग रही थी अभी चिल्लाते हुए। गुस्सा तो होता ही नहीं है तेरे से, पता है तेरे चेहरे पे नहीं दिखता गुस्सा, वो मेरे चेहरे पे नहीं दिखता, वो तेरे मुंह पे दिखता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जारे स्टेट में को बहुत डर लगता है, ये दिखने में क्यूट सी है भाई, बहुत डरावनी है ये, तेरी हरकतें हैं जो वो करती है। आ जाऊंगा जल्दी से, तैयार रहना, बात का हुआ है। मेरा मुंह ठीक करने के लिए तिल्ली रसमलाई मंगाई थी, मैं रसमलाई नहीं खा सकती, उसमें सैफरन है, मुझे खानी पड़ेगी। नहीं परसों कल दोपहर तक खा सकती हूँ, कोई जरूरत नहीं खाने की, मत कर। इतनी सारी तिल्ली मैंने वो मंगवाई है रसमलाई, इसके अंदर है सैफरन जिसका कलर लगता है, तो मैं भी नहीं खा सकती। तुझे शर्म भरम है या नहीं? इसमें काहे की शर्म? इतनी सी रस मलाई, इतनी रबड़ी और ये गुलाब जामुन, तो मतलब तू मुझे पागल बना रहा है, वो तो तू तेरे लिए मंगा रहा था, तूने थोड़े से मेरे लिए मंगा दी। एक तो मंगाई है, मंगाई नहीं, वो तो ऐसे ही कि अब मैं खा रहा हूँ, फिर वो आएगी तो वो ये बोलेगी मेरे लिए मंगा देता, क्योंकि पिछली बार तो मैंने मंगाई नहीं थी, तो अब मैं मंगा देता हूँ। वाह मेरी शार्प मेमोरी, देख रहे हो? अब मुझे सब याद रहने लग गया, अब मुझे याद आती है। तो ये गुलाब जामुन तू नहीं खाएगी क्या? कभी मुझे तूने गुलाब जामुन खाते हुए देखा है? अरे यार मीकुड़ी की तबीयत खराब थी, मैंने सोचा इसके लिए गुलाब जामुन मंगा दूं। हां बिल्कुल, और ये रबड़ी तो तेरे को पता ही है मुझे पसंद है। हाँ। तो तीनों के लिए मैं, तीन जने हैं अपन, तीनों के लिए मैंने मंगा दिया। हेलो गाइस, हेलो गाइस, क्या खाए जा रही है? रबड़ी नहीं तो वो क्या रखे है? वो तो ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं है। ऐसे रखा मतलब कुछ भी नहीं है, दिख रही है मेरे को रबड़ी। कल सीढ़ियों से आ रहे हैं, सीढ़ियों से आ रहे, बताए आप तो यार 12 तक तो आया। 12 तो गए, 12 तक तो जो है ना उस पे नॉन स्टॉप, फिर स्टॉप होते ही स्टॉप पुल स्टॉप कर गया, एकदम से 23 तो भारी पड़ जाएगा। तो आपको किसने बोला था? अरे यार ये कम करना है ना, अरे ये जब कोई गेस्ट वेस्ट आ जाए करे तो छुपा के रख देनी चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज है। गेस्ट कौन है यार? अरे यार मेरी तो नजर ही नहीं पड़ी मेरी तो इतनी देर होगी नजर ही नहीं पड़ी। अच्छा ये भी है क्या? नहीं तो ये तो 3 दिन पुराने हैं। अच्छा ये 2 दिन पुरानी है, ये 3 दिन, उसको भी 3 दिन हो गए। हाँ ये ही है, नहीं हाँ तो तुम्हारे क्या डाइजेशन खराब हो जाएगा, ये अपने काम आ जाएगी। क्या है तुम्हारे हाजमा कमजोर है, आपका पेट वैसे ही भरा रहा है, मैं नहीं चाहता कि आप इसको खाओ, बिल्कुल नहीं, आपको पतला करना पेट है। अभी इतनी मेहनत करके आए हो, बताओ सीढ़ी चढ़ के आए हो तो एनर्जी चाहिए ना, तुम प्रैंक करो ना मिठाई का। मिठाई का कौन सा प्रैंक? प्रैंक चैलेंज।
चैलेंज हाँ। तो भाई मेरे को टीम में ले लेना, जीतेगा वो तो जो टॉस जीतेगा वो ही जीतेगा, जीतेगा अब बार फाइनली मैं अंकल को लूंगा, अब की बार शायद मैं जीत पाऊंगा। यार तो क्या खुद के पापा को ले लेगी खुद की टीम में? क्यों नहीं लूंगी, ये तो एक परिवार के हो गए। तू तो वही बात हो गई, फिर तू हितेश जी को क्यों ले लिया है? हितेश जी तो मेरे साथ हारा हुआ है दो मैच, वो तो बदला तो लेंगे हम लोग। हितेश जी को तो जो भी लेता हारता है, क्या बात है। नहीं नहीं इस बार जीतेंगे। तो मैं भी सॉरी है यार, लेकिन यार बहुत सारे लोगों ने बोला गुलाब जामुन रसगुल्ले इन चैलेंज के लिए, मेरे तो बस की नहीं है वो चैलेंज। तो जिसके बस की नहीं उसकी टीम में ना स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहेगा। अरे ये क्या, अरे क्या, अरे क्या, अरे तेरे को तालू को क्यों लिया, ये भी कच्ची घोड़ी है। नहीं ये का स्टाइल देखो, सिलेंडर वाले रसगुल्ले। भाई यार भयंकर, देखो मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था दोस्तों। अच्छा अच्छा, उसके वो प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, मैं तो मेरा फिर प्लेयर लेकर आऊंगा, चमन को लेकर आऊंगा मैं तो। चमन हाँ ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, चमन वो जो टॉस जीतेगा उस हिसाब से बात होगी। अगर मेरे अगेंस्ट में रहेगा हाँ है ना, तो तू हारेगा, पक्का हारेगा। आज आपको देख गई जैकेट पहने हुए, टी शर्ट में घूमती है और चड्डे में घूमती है। मना आज डॉक्टर के लेके गए हैं शाम को उसको। मना की तबीयत खराब लग रही है, चेहरा बुखार आ गया इसकी। हाँ इसका थोड़ा जब ये चुपचाप चुपचाप बैठी है यार, इसका ये चेहरा उतर रहा है, इसकी अभी भी तबीयत खराब है इसकी। हाँ तो है तबीयत खराब, ये बैठी सुबह से यही बैठी हीटर के सामने, सोई है दिन में, दवाई दिला के लाए इसको। लगाओ पहन तो इसको मनाली ट्रिप, इसका मनाली ट्रिप कैंसिल। बर्फ खा रहे थे, कल रोका है, कल रोका है, कल से रुकी है ये बस। इसका मनाली ट्रिप कैंसिल कर दो। जब भी मैं देखूं आज इसका चेहरा उतरा उतरा कैसे लग रहा है, इतनी शांत कैसे है। हाँ, दाल मकालो है, तबीयत काली है, तबीयत ठीक नहीं हो तो मत जाना। देखो आंखें बता रही है इसकी, दिखाना दिखा जी, हाथ दिखा। ऐसे नहीं, बुखार थोड़ी है अभी तो, नहीं होगा अभी तो, दवाई खा के अभी खा रहे खाना। और आंटी को हम लोगों ने बोला था कि आलू के पराठे खिला दो, उन्होंने एक भी दिन नहीं खिलाया। एक दिन इनको बोला था समोसा कचौरी खिला दो, इन्होंने वो भी नहीं खिलाया। अरे भाई मेरे को तो ऐसे बोला था तुम लोगों ने यहाँ के बनाने। आंटी बनकर ठीक है, तुम मुझे फोन कर देना, मैं फ्री होंगे जब बच्चे। हम तो तीन दिन से फोन कर रहे हैं, आप उठाई नहीं थी फोन। तुम तो शादियों में मजे ले रहे हो, ब्लेम हमारे ऊपर लगा रहे हो। यार अंकल की जैकेट तो दी नहीं हम लोगों ने, आंटी के लिए तो कुछ लाए नहीं, मिलाई नहीं कुछ आपके लिए, लेके आएंगे मिलाई नहीं कसम से, नहीं तो जानबूझ के नहीं लाए हम। आप लोग तो ले आते, बिछा पड़े अंकल लोग घर के रह जाते हैं। तेरी गजब, हम दोनों कब लेके आते हैं। हाँ देव ना तो ये जैकेट लो, तो ये तो ले रहा है, ये खरीद के लाया था मैंने पहले, आ जाए वीडियो बना लिया, आपके साथ ले लो, तो ये तू लेगा फिर दे दो। मैं तुम्हें पास है अरे वो थी ना आपकी अलमारी में लटक रही उधर वाली में। लो अंकल लेदर राइट, और तो क्या, पापा की तो वैसी लाया बलून वाली। आपको लेदर पसंद थी ना? नहीं लेदर राइट, लेदर राइट में अच्छी रहती, मतलब लेदर ज्यादा अच्छी रहती। चेंज करवा ली आज अंकल, पहन के दिखाओ इसको, खोलो। नहीं नहीं सही है, ये सही है, उससे बेटर रही है। पहन के तो दिखाओ, ये इनके पहनते ही नहीं ऐसी। मेकअप पहना ये लो, बस आपके आ जाए। देखे पेट के ऊपर आएगी कि नहीं, जब तो मैं सीढ़ियां चढ़ के आता हूँ। आज तो मैंने टास्क कर लिया है, सीढ़ियां चढ़ के आऊंगा। तो बढ़ गया सीढ़ियां चढ़ने से, कुछ नहीं होगा, पेट के हिलेगा भी नहीं यहाँ से। कोई लेना डब्बे के अंदर तो मीठे से पेट थोड़ी बढ़ता है यार, तो गाय से बढ़ता है। करके दिखाना अंकल, बंद हो जाएगी मेरे हिसाब से, हो जाएगी। सूरज भी आप करो, नीचे नहीं देखा जा रहा, पेट आ गया नीचे, पेट आ गया वो ही नहीं दिख रही चेहरे। अंकल फट नहीं जाए, फट नहीं जाए चैन से, फट आराम से, खराब मत करना चैन। अरे ये आ गई भाई, आ गई, अब धूम मचा ले, धूम मचा ले अपनी बढ़िया। बाइक पे घूमना टाइट नहीं लग रही यार, अब ये टाइट नहीं, आप मोटे हो थोड़े से। सही है, मामला फिट है भाई, पास को नहीं वाली यार। ये क्या है यार, ये सांस नहीं ले पाओगे। ये क्या है यार, क्या है, खाली देर थोड़ी देते हैं, कुछ ना कुछ डाल के देते हैं। यार देख मेरे साथ ही मजाक करते हैं, जब देखो जब यार पर इसने ये मंगाई थी और कभी कभी नहीं पहनी, तो मैंने कहा मैं पहले लेदर की जैकेट ले रही थी इनके लिए, तो डैडी को लेदर की चाहिए थी तो वो ही उसके लिए, लेकिन फिर अब ये वाली को पहन नहीं रहा, तो उसने बोला ये वाली तो डैडी को दे। मैं कभी भी नहीं पहनी है, तो आप अगर आपकी फिट आती तो अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। वो वाली कहाँ है, ब्लू वाली मेरे पास थोड़ी है, वो ब्लू वाली जैकेट कहाँ है आपके रूम में अलमारी। देखो पागल को देखो, छोटी लग रही है, ये तो छोटी लग रही है, पहन के देखो। इसके हिसाब से लाई हूँ, सूरज के हिसाब से एक साइज बड़ी लाई हूँ, सूरज से एक साइज बड़ी।
देखता हूँ मैं, देखिए सूरज से मोटा हूँ या सूरज मेरे से मोटा है। सही बात है, ये एकदम परफेक्ट आई आपके। अंकल यार भयंकर लग रही है तो। यार ये बात तो सर्दी की तो एकदम परफेक्ट जाता हो जाएगा है ना। कहीं भी आगे देखो, आगे परफेक्ट यार। लेकिन अभी कुछ ये तो दिख गई, चलो ये तो आगे कर पाई, वरना पेट के नीचे तो नहीं देख पा रही भाई। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है ना, थोड़ी सी तो है प्रॉब्लम। अरे ये परफेक्ट है, ये मस्त है साइज। बाकी एक बात है, चाहे जीरो जाता होगा पैक कर लो बिल्कुल, चाहे जीरो डिग्री आ जाओ है ना, अगर ये पहन लिया ना और यहाँ से ये बंद कर लिया, ठंड तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। दो तीन घर पे कितनी पड़ी है अपने नहीं बनता यार, अगली बार तिब्बती मार्केट में सेल लगा लूं।